नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पोर्ट ब्लेयर, जो कि इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड श्री विजयपुरम, होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसेज। अमित शाह ने यह अनाउंस कर दिया है कि उसका नाम यानी कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके विजयपुरम हो गया है अब। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी, आइए देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में टोटल 836 आइलैंड है, जिसमें से 31 जो है इनहेबिटेड है, यानी कि वहाँ कोई नहीं रहता या फिर रहने लायक है ही नहीं। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड, उनमें जो गैप है बीच में वो है 150 किलोमीटर का। इसकी कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब चेंज करके श्री विजयपुरम कर दी गई है। क्या आपको पता है कि इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, वो भी इस निकोबार आइलैंड में स्थित है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप की मदद से। साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये रहा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर, यहाँ पर है। देखियो इतनी दूर है, पूरा जंगल का एरिया है यहाँ पर। और ये रहा इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया को एक एडवांटेज देता है पूरे इंडियन ओशन में। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अगर ये आइलैंड नहीं होते तो आज इंडिया यहाँ तक पकड़ नहीं बना पाता, और इंडोनेशिया जो कि इंडिया के ठीक बगल में है यहाँ पर, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये देखिए, ये रहा इंडोनेशिया का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा अंडमान आइलैंड और ये रहा निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड में सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडल अंडमान, फिर है यहाँ पर लोअर अंडमान। यहाँ पर आपको सेनेटल आइलैंड दिख जाएगा, और यहीं पर है कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज करके अब विजयपुरम कर दिया गया है। इसके नीचे आप लिटिल अंडमान देख सकते हैं, और निकोबार जो है वो अलग ही आइलैंड है। यहाँ पर कार निकोबार और इसके नीचे कुछ आइलैंड और हैं, और टोटल मिला के ये आइलैंड है 836। 11th सेंचुरी में इस पूरे आइलैंड पर चोला राज्य का कब्जा था। चोला राज्य जो कि 3 तमिल किंगडमों में से एक थे, वहाँ उन्होंने नवल बेस बनाया हुआ था अपना साउथ ईस्ट एशिया में। और डेनिश जो कि पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने 1755 में यहाँ कब्जा किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए यहाँ 1868 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस पूरे इलाके को जैपनीज अम्पायर ने अपने कब्जे में कर लिया था। फिर जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद ये इलाका भी फ्री हो गया। और 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसको इस पूरे इलाके को ही यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया। आज यहाँ अंडमान एंड निकोबार कमांड स्थित है, जो कि वन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की तीनों मिलाकर एक कमांड है। ये रहा इंडिया का मैप। हम इसमें सर्च करेंगे पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा पोर्ट ब्लेयर, जो कि पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल हुआ करता था। नाउ इसका नाम बदलकर अब विजयपुरम हो चुका है। ये यहाँ पर है ऊपर अंडमान ग्रुप में, नीचे आपको निकोबार आइलैंड दिख जाएंगे यहाँ पर। उस समय अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में जैपनीज ऑक्यूपेशन हुआ था, कब, 1942 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय। उस समय अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में टोटल 139 आइलैंड हुआ करते थे, जिसमें चेन्नई से उस आइलैंड की दूरी 1200 किलोमीटर, वहीं कोलकाता से 1250 किलोमीटर, और इंडिया में उस समय बर्मा भी शामिल था, जिसे म्यांमार कहते हैं आज। इस बर्मा की दूरी केवल 190 किलोमीटर थी, किससे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस आइलैंड पर एक जेल हुआ करता था, सेलुलर जेल नाम से, जहाँ इंडियन और अफ्रीकन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। आज वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। मैं आपको इसका एक मैप दिखाता हूँ, ये देखिए। उस समय इंडिया कितना बड़ा हुआ करता था ब्रिटिश सरकार के समय। बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं, वो यहाँ पर है। ये पूरा इलाका बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ये पूरा इलाका हमारा था। और यहाँ नीचे तक कंबोडिया, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ठीक ऊपर तक पूरा इंडिया का इलाका था, इतना बड़ा इलाका था। और यहाँ पर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल हुआ करती थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो कमांड है वो यहाँ पर बनाई थी। यहाँ पर अपना एक गवर्नर भी लगाया हुआ था, जैपनीज़ जिसको कंट्रोल किया करते थे उस समय। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज यहाँ पर खड़ी करी थी। खड़ी तो उन्होंने वैसे सिंगापुर में की थी, लेकिन यहाँ पर भी उनका एक बेस था। नाउ जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यह है, विच ऑपरेशन डिड द इंडियन आर्मी अंडरटेक टू रेस्क्यू हॉस्टेज
ड्यूरिंग द 2008 मुंबई अटैक्स? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, राहत, पवन या फिर ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।